जय जोहार, स्वागत है आप मन के न्यूज 36 से छत्तीसगढ़ के आवाज़ में। खबर छत्तीसगढ़ में आगू बढ़वो, बात करवो बिलासपुर जिला के। तालाब के नगरी ले प्रसिद्धि प्राप्त रतनपुर, जिहाँ के कोनो तालाब के पानी हाँ पिए के लायक नहीं है। यही संदर्भ में संत कबीर के एक सुंदर पंक्ति हा लागू होते। पानी बीच मीन पियासी रे, मोहे सुन सुन आवत हाँसी रे। ये पंक्ति है सच में नगर भर हास्यास्पद और अपन संग वास्तविकता ला समेटे है। तालाब के नगरी में अधिकांश नामी तालाब के पानी ह प्रदूषित हो चुके हैं। तो आज विश्व जल दिवस के अवसर में आप मन ला ले के चलत हन तालाब के नगरी रतनपुर, जिहाँ के तालाब मन अपन दुर्दशा के आंसू बहावत है। रतनपुर नगर के तालाब मन प्रशासनिक उदासीनता और जन उपेक्षा के चलत धीरे धीरे अपन अस्तित्व ला खोवा जात है। रतनपुर के ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार मा यहाँ लगभग 1400 तालाब होए के उल्लेख मिलते, लेकिन आज नगर पालिका के रिकॉर्ड मा करीब 164 तालाब के उल्लेख है। और आज ये तालाब मन के वर्तमान स्थिति भारी दयनीय और उपेक्षित है। नगर के प्रमुख तालाब जैसे बिकमा, कृष्णार्जुनी, कुंवर पार, घी कुड़िया आदि मन के पानी हा अतका प्रदूषित हो चुके हैं कि जेखर पानी ला कभू लोगन पियत रहिन है, लेकिन आज यहाँ के पानी हा नहाय लायक भी नहीं है। ये तालाब मन के बरसों से न ही साफ सफाई हो है और न ही गहरीकरण, जेकर ले ये तालाब मन में पर्याप्त जल भराव नहीं हो पावत है। ये तालाब मन में प्रदूषित गंदगी और जल कुंभी के भरमार है। ये तालाब मन के पानी ल पिए के बाद तो दूरिहा, बल्कि कोई मृत कर्म करे के बाद लोगन सिर म पानी छिड़क के घर आ जाते। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार मृत कर्म के बाद बिना नहाए घर आना अशुभ माने जाते, लेकिन ये बदबूदार प्रदूषित पानी के कारण अशुभ कर्म करे म बाध्य होना पड़त है, जेकर ले पानी के गंदगी के अंदाजा लगाए जा सकत है। रतनपुर में तालाबों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उसकी सफाई के लिए पहले भी निरंतर प्रयास होते रहे हैं और अभी अभी भी हम जो है शासन से अपने विभाग से तालाबों की सफाई के लिए जो फंड है वो हम मांगने के लिए पत्राचार कर रहे हैं। इसके अलावा भी निकाय जो है अपने स्तर पे और भी जो निकाय के पास फंड उपलब्ध रहते हैं उससे तालाबों की सफाई करने का जिम्मा जो है उठा रही है। अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि कल्पेश्वरा तालाब की हमने जो है सफाई कराई है, तो धीरे धीरे कर हम जो है सारे तालाबों की सफाई कराएंगे। और अभी हम जो है तालाबों को मछली पालन के लिए नीलामी उसका हम करने वाले हैं, तो इस शर्त के साथ हम उसका नीलामी करने का सोच रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति को तालाब आवंटित होता है तो वो मछली पालन के साथ साथ उस तालाब की सफाई का भी पूरा जिम्मा उठाएगा। जैसे कि आपने नीलामी की बात कही सर, तो क्या स्थानीय प्रशासन के राजस्व आय का सबसे बड़ा जरिया रतनपुर तालाब है, क्या मानती है इस बात को आप? हाँ, और भी दूसरे भी सोर्स हैं, लेकिन चूंकि तालाबों की संख्या यहाँ काफ़ी ज़्यादा है इसलिए राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी नीलामी से जो है हमें प्राप्त हो सकता है निकाय को। रतनपुर के जितने भी तालाब है अधिकांश तालाबों के किनारे बेजा कब्जा अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है, जिससे तालाबों का रकबा सिमटते जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए जो कब्जा कर रहे हैं उसको हम लगातार हमने उनको नोटिस भी दिया है और राजस्व विभाग से भी इस संबंध में बातचीत चल रही है। जल्द ही हम जो भी बेजा कब्जा किए हैं अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके ऊपर जरूर हम अनुशासन कार्रवाई करेंगे। दूसर कति नगर के अधिकांश तालाब मन बेजा कब्जा के भेंट चढ़ गए है, जेकर ले ये तालाब मन के रकबा ह तेजी ले सिमटत जात है, जेकर चलत ये तालाब मन के मुहाना बंद हो चुके है। अब तालाब मन में पर्याप्त जल भराव नहीं हो पावत है। ये बेतहासा बेजा कब्जा ह तालाब मन बर नासूर बन गए है। तालाब तीर बने ये मकान मन के बाथरूम और शौचालय के ओवरफ्लो के पूरा गंदा पानी ह तालाब मन में जावत है, जेन ह तालाब के पानी के प्रदूषित होए के प्रमुख कारण है। नगर के तालाब के अस्तित्व ला बचाए रखे बर जन प्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन और जनता ला जागरूक होके आगू आए के जरूरत है, ताकि ये बाँचे खोचे तालाब के अस्तित्व जिंदा रहे। जल दिवस है, उसके लिए तो मैं जल जो है हमारे जीवन के लिए अनमोल रत्न है और इसको सबको जतन करना चाहिए, सबको स्वच्छ के रूप में इसको रखना चाहिए। हमारे रतनपुर की जहाँ तक की बात है, तालाबों की नगरी कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी कहा जाता है और रतनपुर को तालाब और मंदिर के ही नाम से जाना जाता है।
लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ की जो तालाबों की स्थिति है थोड़ा जीर्ण छीर्ण की अवस्था में है। बहुत से तालाब जो पाड़ दिए गए हैं और बहुत से तालाब यहाँ पे जो होना चाहिए जिस स्थिति में वैसा नहीं हो पा रहा है। हमारे द्वारा नगर पालिका के द्वारा बिकमा तालाब का सफाई अभियान चलाया भी गया था लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। और इसके पहले कल्पेश्वरा तालाब हो गए, अपने बोधिमन भोंदला पारा के तालाब में साफ सफाई किया गया था, करिया पारा के वेद नेत्रेश्वर के तालाब की आज जो स्थिति है, कुछ तालाब जो है रतनपुर का जो आज कोर्ट के माध्यम से वो फंसा हुआ है और नीलामी नहीं हो पाया, और कुछ तालाब में बेजा कब्जा के नाम से बहुत सारे जो तालाब है हमारे बेजा कब्जा होते गया है, इससे तालाब का जो भराव की स्थिति है नहीं हो पा रहा है। और आज जो जल दिवस है मैं सभी जनता से ये अपील करूंगा कि जल को स्वच्छ रखें, तालाबों का संरक्षण करें, क्योंकि हमारे जो धरती है आज तालाब के नाम से जल के नाम से वायु प्रदूषण स्वच्छता हम बहुत सारे जो है जल ही ऐसा है जो हमारे जीवन के लिए बहुत अनमोल है। लगातार न्यूज 36 हा रतनपुर के तालाब के खबर ला दिखाते रहते, लेकिन जो सुविधा लोगन ला मिलना चाहिए वह अभी तक नहीं मिल पावत है। अब देखे वाला बात यह है कि ये तालाब की स्थिति हा अब कब सुधर ही। रतनपुर ले डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी के रिपोर्ट।